आज की कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है। तो वो एचआर क्या कहता है पता है? वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास मेल आईडी नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे मैं नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सर्वाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग है ना वो इतने व्यस्त है कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने एक दो लड़के भी रख लिए, ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला, जो फैमिली पॉलिसी बेचता था, वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल आईडी तो रखिए। तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। गाइज ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।